Rocky on Rensselaer. Hello, Rocky. Don Matkara. कभी कभी शिकारियों को आजाद परिंदों के साथ मुलाकात करनी पड़ती है। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम इस वक्त बैंकॉक में मौजूद हो। तुम्हें तो पता है कि मुझे थर्ड क्लास क्रिमिनल से नफरत है, इसीलिए मेरे जहन के कंप्यूटर ने तुम्हें सिलेक्ट किया है। तुम्हें कल 7 बजे की फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचना है। परसों 4 बजे मालाबार के पहाड़ी रास्तों पर तुम्हें एक ट्रक जिसका नंबर LHP 2989 सफर करता दिखाई देगा। उस ट्रक में मेरी दुश्मन पार्टी का ब्राउन माल होगा, वो तुम्हें हर कीमत पे हासिल करना है और पहली फ्लाइट लेकर वापस बैंकॉक पहुंचना है।
से पूछता हूँ मैं। मुझे बास्टर बोलते हैं। मैं बिन बाप का बच्चा, अगर मेरी वल्दियत में तू अपना नाम लिखवा देता तो क्या जाता तेरा, क्या जाता? तूने अपन को कचरे के ड्रम से उठाया? बोल, उठाया? क्यों उठाया? साला मर देता। इस दुनिया में लाखों लोग, लाखों लोग साला रोज मरता और लवारिस लोग साला कुत्ते के माफिक होता है। कुत्ते के माफिक मर भी जाए तो खुदा की जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपुन और आज अपुन साला दुआ करता है कि इस दुनिया में जितना लवारिस बच्चा है सबका सब मर जाए, सबका सब मर जाए। अच्छा निशाना है तुम्हारा। तुम्हारा निशाना देखकर तो यह लगता है कि तुम्हारा खंजर उड़ती चिड़िया के पर काटकर उसे भी अटेंशन कर सकता है। थैंक यू वेरी मच ग्रैंडपा। हाय हाय, लड़के को क्यों खराब कर रहे हो? मुझे तो उसके हाथ में खंजर देखकर खौफ आता है। तुम्हें खंजर देखकर खौफ आता है, हालांकि तुम खुद 56 छुरी हो, और मुझे तुम्हारे पोते की जहानत से खौफ आता है। ये कहता है कि हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, है? और खुद रातों को छुप छुप कर भाई को टेलीफोन करता है। भैया मुझे अपने पास बुला लो, मैं बहुत उदास हूं। क्यों फराज, तुम्हारे दादा ठीक कह रहे हैं? नहीं तो ग्रैंड मा, मैंने तो कोई फोन नहीं किया। आपको किसने कह दिया? वाह मेरे शेर जवान, और तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। खैर अब तुम जल्दी से अटेंशन हो जाओ, फारूक ने तुम्हारा टिकट भेज दिया है। कल सुपहर 4 बजे तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचना है बैंकॉक जाने के लिए। उधर जाकर डबल करो। याहू!
ये बदतमीजी मैंने नहीं की थी, ये सामने बैठा नहीं, ये बुजुर्ग बच्चा, ये हाँ ये इसने। वैसे आपको भी देखकर चलना चाहिए। मैं देखकर चल रहा था जी, मैं तो बिल्कुल सीधा आ रहा था कि इसने मेरी टांग में टांग इंटरफेयर की और मैं गोल। व्हाट? गोल। आइंदा ऐसा नहीं होगा जी, आई एम सॉरी। वैसे आप बहुत अच्छी लड़की है जी, वरना कोई और लड़की होती तो वो थप्पड़ मारती, जूतियां मारती। अच्छा आप बैठिए ना। थैंक यू। मैं भी बैठ जाऊं? प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बात पूछूं जी? जी पूछो। आप कौन से मुल्क जा रही जी? आई मीन कंट्री। बैंकॉक। बैंकॉक? फिर तो मजा आ गया जी। अब वो क्या है जी, मेरा मतलब है कि मैं भी बैंकॉक ही जा रहा हूँ। अच्छा। वो मेरे भाई और भाभी वहां होते हैं ना जी, मुझे बहुत प्यार करते हैं वो, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। दरअसल उनका कोई बच्चा नहीं है ना जी, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी, कमिंग सून, देयर आई विल बिकम चाचा। किसी पिछले दौर की पैदावार लगते हो, वरना आजकल के लड़के इतने सादा नहीं होते। थैंक यू जी। वैसे एक बात पूछ सकता हूँ जी, आप बैंकॉक में क्या करती हैं? What do you do there? मैं वहाँ लड़के और लड़कियों को डांस की क्लास देती हूँ, मतलब डांस टीचर हूँ। Oh, very good जी, इसका मतलब आप बहुत अच्छा नाचती होंगी, I mean बहुत अच्छा डांस करती होंगी। वैसे मैं भी बहुत अच्छा डांस करता हूँ जी। अच्छा? हाँ जी, बस बचपन से ही मुझे डांस का बहुत शौक था जी, बहुत ज्यादा। ये लो मेरा कार्ड, कभी फुर्सत मिले तो जरूर आना, मैं तुम्हें डांस सिखा दूंगी। जरूर आऊंगा जी, जरूर आऊंगा आपसे मिलने, लेकिन ये चीपान। वहां बैंकॉक में किसी को भी ये दिखाओगे तो वो तुम्हें समझा देगा। आऊंगा जी, जरूर आऊंगा। ओह सॉरी जी, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मुझे फराज कहते हैं। और मुझे अलीजा। ओह टू गुड नेम जी, टू गुड। थैंक यू। लो जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, गेट रेडी। वैसे मेरी दुआ है जी कि हम दोनों की सीटें एक साथ हो, ताकि आधा डांस में जहाज में सीख लूं। Thank you.
ले ना। बस भैया बहुत खा लिया, अब और खाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रही। अरे खा ले, बहुत कमजोर हो गया तू। मैं कमजोर नहीं हो गया, आप बैठे बैठे बहुत मोटे हो गए हो। अरे भाभी इधर बैठो, अब मुझे भी टाइम दो। अच्छा भैया, पाकिस्तान में हर लम्हा आपको बहुत बहुत मिस करते हैं। तुम लोगों की याद मुझे बहुत सताती है, मगर क्या करूं, नौकरी का मामला है। मैं तो फोन करके दादी अम्मा का शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने गिफ्ट भेजी। ओ याद आया, सबसे खास तोहफा तो देना ही भूल गया, ये वाला, ये दादी ने खास तौर पे आपके लिए भेजा है। शुक्रिया। वाओ बहुत प्यारा अंगूठी है दादी अम्मा, बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक्स। अरे हाँ, कोई लड़की वड़की पसंद की के नहीं? कहाँ खो गए फराज? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही ख्याल आ गया था। बहू के लिए सब कुछ भेज दिया और पोते के लिए कुछ नहीं? अरे भैया, क्या मैं आपके लिए किसी तोहफे से कम हूँ? नो डाउट, तुम हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं हो। आओ आओ बैठो। आई रियली लव यू। फारूक, फराज को नेक्सी दिखा दो। मगर भाभी, मैं नेक्सी में अकेला क्या करूँगा? पहली बार बैंकॉक आए हो। वैसे यहाँ का दिन हम जैसे नौकरी पेशे और कारोबारी लोगों के लिए है। वैसे ये शहर रात को जागता है और तुम्हारे लिए नेक्सी इसलिए ठीक की है कि तुम आजादी से घूम फिर सको। उठो आओ। ओके, गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। भैया भैया भैया, बात तो सुनिए, ये बताइए कि मैं चाचा कब बनने वाला हूँ? बहुत जल्द। मेरा मतलब है कि अरे इस घर में कोई चाचा वाचा कहने वाला तो होना चाहिए ना मुझे। ठीक है ठीक है। एक बात है भैया, आपने जंगल में मंगल बना रखा है, बेल इतनी खूबसूरती से चढ़ाई हुई है, दरवाजा है कहाँ? हाँ ये भी तुम्हारी भाभी का आइडिया है। आओ आओ फराज, आओ आओ ना। ओ वाओ भैया, कमरा तो बहुत खूबसूरत सजाया, ये यकीनन भाभी की चॉइस होगी, आपकी नहीं हो सकती। हाँ ये भी उसी ने सजाया है, वो तुमसे प्यार भी तो बहुत करती है ना। भैया मैंने माँ को तो देखा नहीं, लेकिन मैंने दो माओं का प्यार पाया है, एक दादी माँ और दूसरी भाभी माँ। सोचिए कितना खुश नसीब हूं मैं। अब तुम सो जाओ, सुबह नाश्ते पे मुलाकात होगी। और हाँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस पे घर का पता और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, अगर कहीं तुम रास्ता भूल जाओ तो ये तुम्हारे काम आएगा। ओके गुड नाइट। गुड नाइट भैया।
डांस बहुत अच्छा करती हो। थैंक्स, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। डोंट यू वरी, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा। क्यों, मेरी गाड़ी मौजूद है, तुम टैक्सी से क्यों जाओगे? तुम्हारे भैया का घर कहाँ है? चलो मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ। ये लो, इसमें एड्रेस लिखा। वाओ, तुम्हारे भैया का घर मेरे घर के रास्ते में है। कम ऑन। ओके, सी यू। सुनो, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा इंतजार करोगी? मगर क्यों? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम अपने दिल से पूछ लेना। ओके ओके, बाय बाय।
बना रखा है। वो अलीजा, कौन आया है? अंदर आओ, कम ऑन कम ऑन। मामा ये फराज है, मेरा पाकिस्तानी दोस्त। ये वही है जो मुझे जहाज में मिला था। अच्छा, तो ये वही है जो जहाज में बैठकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। फराज, शी इज माय मामा। हेलो हेलो अलीजा बेटा, तुम बैठ कर बातें करो, मैं सोने के लिए जाती हूँ। ओके फराज, तुम बैठो, मैं मामा को बेडरूम तक छोड़ के आती हूँ। कम तुम बैठ के टीवी देखो, आई विल बी बैक। मामा बी केयरफुल। Brother and sister-in-law. According to post-mortem report, this accident was happened last night about 10 o'clock. Please see the picture of the quiet young man. If you see him anywhere, please inform police. भाभी को कत्ल किया? Oh God, you killer! मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अलीजा रुक जाओ, अलीजा प्लीज, अलीजा मैं कातिल नहीं हूँ। नहीं, तुम कातिल हो। मैं कातिल नहीं हूँ अलीजा। झूठ बोलते हो तुम, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, प्लीज गेट आउट। अलीजा प्लीज, गेट आउट अलीजा। मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारा तुमने? हाँ मैंने, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा इसलिए कि तुम मेरा यकीन ही नहीं कर रही हो। अलीजा याद करो अनाउंसर ने क्या कहा था कि कत्ल रात ठीक 10 बजे के करीब हुए, जबकि गुज़िश्ता रात सुबह 3 बजे तक मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन लेकिन अब क्या होगा? पुलिस तुम्हारे पीछे है, और हाँ, हर आंख की पोतली में तुम्हारी तस्वीर महफूज हो चुकी है। कोई तुम्हें देखना नहीं समझेगा, लेकिन लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर कत्ल तुमने नहीं किए तो फिर कातिल कौन है? एयरपोर्ट पर मेरा बैग कोई और ले गया, और बैग जेक जैसे होने की वजह से मैं उसका बैग ले आया। बैग में ब्राउन शुगर है। क्या ब्राउन शुगर? ओह गॉड। लेकिन मैं बैग को छुपा आया हूं, और मुझे यकीन है ये कत्ल भी उसी ने किया है जो इस बैग का मालिक है। फराज, तुम वो बैग कानून के हवाले करके साफ साफ बता दो कि तुम कातिल नहीं हो। आई एम श्योर कि पुलिस कातिल तक जरूर पहुंच जाएगी। नहीं अलीजा, पुलिस मेरा यकीन नहीं करेगी। मैं अपने भाई और भाभी के कातिल को दुनिया के आखिरी कोने तक खुद तलाश करूंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसे मारने के बाद मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने इस वाक्य की इत्तला अपने दादा दादी को दी? नहीं, क्या बताता उन्हें? खून से भरी हुई ये कहानी मैं नहीं सुना सकता उन्हें। लेकिन फराज, उन्हें इत्तला देना बहुत जरूरी है। हेलो, हेलो, कौन? फराज, वो कैसे हो तुम? ओ बेटा, मैं और तुम्हारी दादी कल से तुम्हारे फोन के इंतजार में अटेंशन बैठे हैं। जी दीजी, मैं बात करती हूँ। हेलो फराज, बेटा कैसा है तू? फारूक ठीक है?
फोन कट गया। चलो कोई बात नहीं, खैर खैरियत का पता तो चल गया ना। अल्लाह ठीक करे। और डबल करो। चंद रोज पहले यहां पहुंच चुके हो, हम तक पहुंचने में तुमने देर क्यों की? माल कहां है? नॉन, एयरपोर्ट पे मेरा बैग चेंज हो गया है। इसलिए मैं अब तक बैग की तलाश में हूं। जैसे ही बैग मिलेगा मैं तुम लोगों का माल तुम तक पहुंचा दूंगा। झूठ बोलते हो तुम। हमने तुम्हारे लिए तमाम रास्ते साफ कर दिए थे ताकि माल यहां तक आसानी से पहुंच सके। ये क्यों नहीं कहते तुम कि किसी और ने तुम्हें ज्यादा ऑफर दी और तुमने लालच में आकर वो माल उसे दे दिया? के लिए कुछ असूल होते हैं डॉन, मैं हराम में और हराम शामिल करके खाने का आदी नहीं हूं। तुम हराम नहीं खाते, अगर तुम खुद हराम सादे हो। यू बास्टर्ड
जमी के आसमां कब तक आग के शोलों में ये चलेगा मेरा वजूद सांसों में अंगारे हैं और रूह में है बारूद का गिरना पुलिस के लिए चैलेंज है। आइंदा ऐसा नहीं होगा सर, मैं अपने फर्ज से अच्छी तरह बात करूंगा। झूठ बोलते हो तुम। बैंकॉक सिटी में 12 कत्ल हो चुके हैं और मरने वालों का लहू जमीन पर ही नहीं पुलिस डिपार्टमेंट के चेहरे पे भी दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि इंसानी लहू शहर की नालियों में बहने लगे कातिल को गिरफ्तार होना चाहिए। आपके हुक्म की तामीन होगी सर, मैं बहुत जल्द कातिल को गिरफ्तार करना है। ओके। पसीना साफ कर ले सर। वैसे सर ये बहुत सख्त ऑफिसर लगता है। पहले 2-3 कत्ल और फिर उसके बाद ड्रग माफिया के 10 बंदों का कत्ल, मुझे तो ये एक ही जंजीर में बंधे हुए दिखाई देते। डोंट वरी सर, मुझे आपकी जहानत पर मुकम्मल एतमाद है। कातिल जितना भी दौड़ ले, लेकिन कानून से आगे नहीं निकल सकता। ये तो ठीक है दाव, लेकिन देखो ना। लेकिन क्या सर? सर आप बहुत बहादुर ऑफिसर हैं, मुजरिम आपसे बच के नहीं निकल सकता। पूरा डिपार्टमेंट आप पर फख्र करता है। रॉकी, इतने अच्छे मौसम में उदास क्यों हो? hey, तुझे कितनी बार बोला कि जब अपन सोचाओ तब अपन को तंग न किया कर। रॉकी, एक मामूली से बैग के लिए तुम इतने परेशान क्यों हो? वो बैग मामूली नहीं है। जब तक अपन वो ब्राउन शुगर वसूल नहीं कर लेता अपन को सुकून नहीं आएगा। रॉकी को शिकस्त दे देना, ऐसा नहीं हो सकता। रॉकी, रॉकी मेरी बात तो सुनो। मेरी मंजिल तुम हो, तुम्हें पाने के बाद मुझे मौत भी आ जाए तो मैं समझूंगी कि मुझे सब कुछ मिल गया। शहर में और भी लड़के मौजूद हैं, किसी एक को पसंद करके उसे शादी कर लो और 2-4 बच्चे पैदा करो। बच्चे पैदा करना ही तो सब कुछ नहीं होता रॉकी। मेरा बाप ड्रग माफिया का डॉन था, लेकिन चंद सिक्कों की बुलेट उसे खा गई। वो मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गया है, लेकिन किसी लॉकर में मेरे नाम की मोहब्बत नहीं छोड़ी। मुझे लड़के तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रॉकी नहीं मिलेगा। ए, रॉकी क्या है? एक बास्टर्ड, एक हरामी, एक नाकाम, एक बदनाम आदमी। क्यों जिंदगी बर्बाद करता है? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए कि इस दुनिया ने अपन को कुछ नहीं दिया। जानता है जब मैं बचपन में रोता था तो मेरा बाप मेरे मुंह में बुलेट दे दिया करता था और मैं चुप कर जाता था। उसी दिन से मुझे बारूद से प्यार है। लेकिन मैं तुमसे प्यार ए, 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 ये क्या क्या है प्यार? प्यार
ना हम प्यार को जानता है, ना ही हम प्यार मांगता है। हम सब एक दूसरे की जरूरत है। सुना तुमने? जरूरत है हम एक दूसरे की। और वैसे भी ज्यादा घुल मिल जाए, ये दुनिया वाले इस गुर्बत को प्यार का नाम दे देता है। दुनिया में प्यार नहीं, सिर्फ कारोबार है, कारोबार। इस दुनिया में प्यार का नहीं, सिर्फ मुझे यकीन है इस शर्ट और इस हुलिये में अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। अब जाओ बैग ले आओ। अलीजा, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर यहाँ आया हूँ, वरना मैं लानत भेजता हूँ इस बैग पे। समझने की कोशिश करो फराज, ये बैग ही हमें कातिल तक पहुँचा सकता है। ओके कम ऑन, जाओ। मैं ले आया हूँ, अब आगे तुमने क्या सोचा है? कुछ सोच कर ही मैंने तुम्हें ये बैग लाने के लिए कहा था। मैं एक शख्स को जानती हूँ जो कुछ दिन पहले ड्रग माफिया के दरमियान डील कराया करता था। है तो सिख लेकिन बड़े काम का बंदा है, मेरा भाई बना हुआ है और मेरे कहने पर ही उसने ये धंधा छोड़ा। मुझे यकीन है कि वो कातिल तक पहुँचने में हमारी मदद जरूर करेगा। फटे चकदमागे, मैं ढोल उठा लूंगा। और रामू, तेरा ढोल तो साड़ी ताकत आ, और जब तू ढोल बजाना तो सानू साडा पंजाब याद आंदा। जब सानू पंजाब याद आंदा तो सानू साडा बापू याद आंदा। जदों सानू साडा बापू याद आंदा उदों असीं दलेर हो जाने आ। बस ओए, इन्ने दलेर बड़े आ। अच्छा ठीक है, किधर नू जाना वा? ये लत्तां तां पछाणियां पछाणियां लगदियां। ओ दीपो तू? हां मैं। तेनू कुटन डे वा ते तू हसन डे वा? ओ दीपो काली हसे वाली आ, ओ जिस बंदे नु कुटन आयो मैं बंदा ही नहीं। पर ए ते तेनू कुटन डे आ। ए तो सिख दे दिमाग च गल ही नहीं आई, ओ ते मेनू कुटन डे आ। ते जा फिर जाके रामू नु कहो ओ जरा मारे ढोल ते सट, ते देख फिर मैं किदा कढ़दा थाइयां ते बट। रामू उठ, दे उठ ना, ओ वेख नहीं तो ता टोल मचा देंगे, टोल मचा। ओए नहीं है, फड़ फड़ बचा हुआ। क्या वेख रहे हो? जाओ
ये मैं हूँ भाई। तू तो मेरे नाल जज चला जा। आ। शितर खाजे तक गया साले मेरे पेरे चले गया। चंदा, हुण मैं चलनी हाँ। ओ पर तू किथे चलदी दीपो? हाय हाय चलदे बाजार च मैं तेरी गल नहीं सुननी। ओ पर कान विच गल सुन ला दीपो नहीं तो मैं फट्टे चक दवांगा। ओ दीपो कन विच सुन सुनिए हाय गल कन विच सुन सुनिए तेरे कोलों वध सोनी इस जग विच की होनी हाय इस जग विच की होनी फिर भी नशीली है अक फिर भी नशीली जुल्फा दिछा होवे हाय इना जुल्फा दिछा होवे इस जग विच की होनी है इस जग विच की होनी
ਜਿਮ ਜਾਣਦੀ ਗੰਜਨ ਜੰਮ ਪੈਣਾ ਜਿਮ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਜਿਮ ਜਾਣਦੀ ਗੰਜਨ ਜੰਮ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜੰਮਦੀ ਅੱਬਿਆ ਓਏ ਅੱਬਿਆ ਵੀ ਟੁਰ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੰਜਾ ਜੰਮਿਆ ਆਹਾ ਓਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੰਜਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਛੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਭਰਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਿਆ ਓ ਨੋ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੈਰ ਚਲੋ ਆਓ ਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ ਕਰ ਗੰਜਿਆ ਹੈਲੋ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਈ ਓ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂ ਬਗਾਰੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਲੀਜ਼ਾ ਹੂੰ ਔਰ ਆਪ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਮੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਮਲੰਗ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਤਸਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅੱਧ ਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮ ਜਮ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਭ ਫੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਤ ਯਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਕ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਠੰਡਾ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਈ ਉਸ ਬਾਤ ਕੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਭਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਭੈਣਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਵੀ ਫੱਟਾ ਚੱਕ ਦੋ ਅਬ ਚਲੇ ਤੂੰ ਅਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੱਟਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ ਆਈ ਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਆਪ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਾ ਨਾ ਮੁਝੇ ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਤ ਯਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਚਲਤੇ ਹੈਂ ਚਲੇ ਆਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੀਨੀਓ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਾਕੋ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹਟੋ ਫੀਨੀਆਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗਾਹ ਗਾਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਈ ਬਾਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਜ਼ ਕੇ ਪਾਸ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਸੇ ਭਰਾ ਹੁਆ ਇੱਕ ਬੈਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਕਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਈ ਲੈ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਰ ਉਹ ਬੈਗ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਬੈਗ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਡਾਢਾ ਜ਼ਾਲਮ ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪ ਪੱਪੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
श्री अकाल महाराज। काके ये है रॉकी साहब, जरैम दी दुनिया दे बेताज बादशाह। फरा साहब जेड़े माल बेचना चाहते हैं, दोवें पार्टियां मुंह तो कराती, दोवें एक दूजे निबड़ लवो। मेरे को बहुत तलाश थी इस बैग की, ला मेरा बैग वापस कर। क्या सबूत है तेरे पास कि ये बैग तेरा है? ए, अपने घर में गिरी लाशों को भूल गया क्या? उन्हीं लाशों पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं अपने भाई और भाभी के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बैग खुद से मांगता है। ठीक ठीक, आप हम दोनों में से वही बैग लेकर जाएगा जो जिंदा बचेगा। आज जिंदगी मौत से टकराएगी और मैं तुझे जिंदा रहने का मौका नहीं दूंगा। बहन जी मैं थोनू पहले क्या सी, एक काका दो नंबर है। और देखो इतने अंदर छित्रो छित्री हो गया, आओ असी तो निकलिए। पहले इस जंग का कोई फैसला हो जाए, असी दोवें रल के इस बैग नूं तां नुकरे लाइए। चलिए मैं तां चक दूंगा फटे। क्या इंस्पेक्टर, इसमें तुम पुलिस को अपना तहरीरी बयान दे रहे हो कि तुमने अपने भाई और भाभी को कत्ल किया है? नहीं इंस्पेक्टर, मैं कातिल नहीं हूं। और कातिल यही कहता है कि मैं कातिल नहीं हूं, इस पर साइन कर दो वरना मुझे मजबूरन तुम पर सख्ती करनी पड़ेगी। मैं कातिल नहीं हूं इंस्पेक्टर।
मेरे भाई और भाभी का कत्ल रॉकी ने किया है, रॉकी ने। रॉकी, हेलो। यस सर, जस्ट कमिंग सर। ताओ मेरे साथ आओ। क्या हुआ सर? और हाँ, रॉकी को हवालात से निकाल कर इन्वेस्टिगेशन रूम में ले चलो, मैं अभी आया। ओके सर। सोने का टाइम है, चल फूट यहां से। यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा ससुराल नहीं। बास्टर्ड 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 जे मेरी डोर लग गई तो मेरी पिनी मिन दे दो। मेरे ख्याल भैन जी उदास हो गया। दीपो जी उन्होंने शेर सुनना चाहिए। शेर किया कि मैं पागल ओदे पिछे तो ओ पागल मेरे पिछे, मैं पागल ओदे पिछे तो ओ पागल मेरे पिछे, असी दोवें अगे पिछे। ओ भैन जी परेशान फिरन रही आ, तो तैनू शेरां दी पई आ। वो तो शेरां ने शेरां की गल करी और गिदड़ां दी करिए। भैन जी मैं सवेर का थोड़े ना खज्जल खराब होन दिया, जेड़े चार छित्रों पैने पैलन दो, कल ठीक हो जाओ। कोई अकल की गल कर पाने? वो जे सिखा अकल होंगी तो डॉक्टर कदीर खान साढ़े चो ना होंगे। तरपान भाई, फराज पुलिस का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ओ भैन मेरी, जेड़ी जवानों पी पै जाए उन्होंने कटनी तो पैंदी है। बस तू दिन चढ़ने इंतजार कर, सवेरे रल के फटे चक देवे। Baby, what's the problem? Hey, Inspector, van का पिछला दरवाजा खोल दो, वरना मैं इसकी खोपड़ी में रोशनदान खोल दूंगी। तो ड्रॉप द गन्स।
Drop the guns. Rocky, हाथ उठाओ. हरी आप, जल्दी Rocky. See you soon. वो आपसे बच के कहीं नहीं जा सकता. आप बहुत बहादुर हैं सर. ओके सर. फराज, समंदर की लहरें हमेशा बार बार किनारों से टकराती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं, लेकिन कभी मायूस नहीं होती. चुप क्यों हो? मेरी तकदीर भी मेरे साथ क्या क्या खेल खेल रही है. अलीजा, कातिल मेरे सामने आया और भाग गया. हर आने वाला दिन इंसान की फतह तकलीफ साथ लेकर आता है. वो आज बच गया है लेकिन कल नहीं बचेगा. अलीजा, भाई और भाभी के खून भरे चेहरे हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहते हैं. वो मुझसे चीख चीख के पूछते कि फराज, क्या हमारा खून रहेगा जाएगा? घबराओ नहीं, फांसी का तख्ता Rocky का मुकद्दर है. हम एक न एक दिन उसे जरूर पकड़ लेंगे. मायूसी के अंधेरों में तुम ही तो हो जो मेरी मायूसियों को उम्मीद का रास्ता दिखाती रहती हो. अलीजा, क्या तुम जिंदगी भर मुझे ऐसे ही चाहोगी? जा
अखियां नल पी सामने तेरे मस्त जवानी सामने तेरे मस्त जवानी होर तू जाने की हो मस्त मस्त हो मस्त मस्त हो मस्त मस्त हो मस्त महबूब मेरे हो मस्त मस्त हो मस्त मस्त हो मस्त मस्त हो मस्त मस्त यंग स्पीकिंग मैं फराज बोल रहा हूं यू ब्लडी किलर्स तुमने फरार होकर अच्छा नहीं किया कातिल मैं नहीं रॉकी है लेकिन उसने तुम्हारे भाई और भाभी को कत्ल क्यों किया एयरपोर्ट पे उसका और मेरा बैग एक्सचेंज हो गया था उसके बैग में ब्राउन शुगर थी इससे पहले कि वो बैग मैं कानून के हवाले करता वो सालिम मेरे खानदान के लिए क्यामत बन गया ये बात तुम कोर्ट में भी तो कह सकते हो नहीं इंस्पेक्टर कत्ल के इस मुकदमे का फैसला कानून नहीं मैं खुद करूंगा और मैं वादा करता हूं कि रॉकी को कत्ल करने के बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा मैं मुन्ना और रॉकी का रिकॉर्ड ले आऊं सर नाम रॉकी प्रोफेशनल क्रिमिनल
ड्रग्स का धंधा करता है, कभी यहां कभी वहां। सही है, तो बहुत खतरनाक आदमी है, वरना आप जैसे होशियार पुलिस ऑफिसर के हाथ से बचकर निकल जाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें मेरी तारीफें करने के सिवा कोई और काम नहीं है? आप बहुत बहादुर हैं सर, इसलिए। शट अप। ओके सर। मोना ड्रग माफिया के साबिक डॉन की बेटी, बाप की मौत के बाद रूपोश हो गई थी, लेकिन अब रॉकी के साथ देखी जाती है। अगर इस लड़की को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए तो रॉकी का पता लग सकता है। मैंने कुछ गलत कहा सर? पहली बार तुमने अपनी अकल इस्तेमाल की। थैंक यू सर। लेकिन उस लड़की का अता पता क्या है ये मालूम नहीं? नो प्रॉब्लम सर, मैं इस लड़की का एड्रेस बहुत जल्द मालूम कर लूंगा। लेकिन आपका फ्रास के बारे में क्या ख्याल है सर? मेरा तजुर्बा कहता है कि इज इनोसेंट, वो मासूम है। लेकिन अगर वो खुद को कानून के हवाले कर दे तो इसी में उसकी बेहतरी है। उन्हों शराबें नहीं रही, जिन्नी मर्जी पी लो चढ़ती नहीं। उफ, रह गया भी गुड़ी रह गई। पानी दा बिला, ए जूस दा बिला, ते खाने दा बिलवा। ए खाने दा बिल, पानी दा बिल, जूस दा बिल, किन्ने खादा वा? पर ना ते मैं कोई चीज खादी वा ना पीती वा, पर कहंदे वा कि चीजा खाओ ना खाओ पर चीजा दे तैयार वा। अच्छा, चीजा तैयार होने तो पैसे दे दिए। ये लाना कहते हैं थोक। हाँ देख, एक बिल हूं करूंगा मैं तैयार, जेड़ा मैं होटल वाले को लेना है। आ भी काले मुंह वाले। गंजा साहब। जी सरदार जी। और मैं थोड़े होटल को थोड़ा जा बिल लेना। कौन सा बिल जी? थोड़े होटल दे सारे अमले ने रल के मेरी दीपो नु छेड़िया। मेरा अमला बहुत शरीफ है, वो नहीं छेड़ सकता। वो नहीं छेड़ सकता? नहीं, वो तो दीपो तो तैयार है। ओ, ओ माफ करना प्राजी, दरअसल अंदर कसूर नहीं बा, बज गया 12 ते सुई ते चढ़ गया सुई, कैदी बज गया मत। वो बज गया मत, सुई ते सुई चढ़ गया। और तेनु मैं दसा, आज झूठ बोल बोल के तेरे सिर दा बेड़ा गर्क हो गया। अब पड़ अपना बिल, मैं टकरा मार मार थोड़ा होटल फेर दूंगा। आज ठंडा पी नहीं है। जो ज्यादा पी लेंदा वा एनी गुड़गुड़ करनी शुरू कर देंदा वा। इधर आ ते इथे बै ते छड़ बिल नु, कुछ दिल दी गल्ला कर ना। ओ केड़े दिल दी गल करदी, साडा दिल ता साडे को रहया ही नहीं, साडा दिल ते दीपो तेरे कोल आ, तेरे कोल। आज ता सी तेरे नैना दी बारी पीनी आ। गल की दीपो, वो कौन अभी जरा लोहे ना कुत्त धारियां कढ़न लिया? वो इस वेले मैं गर्म होया, मैनू ठंडिया किया ना ला बई। रॉकी महाराज, तुसी इत्थे आने दा कष्ट काहते कीता? मैनू फोन दी घंटी मार दे, मैं आप फड़ जाना सीगा। अच्छा मेरे साथ चलो। कृपाने का फट्टा चक दू। दे भाई, जे तुम्हें कृपाने का फट्टे चके तो मैं तेरी मरी बना दूंगी। रोकी
ओ मेरी ये जमण वाली बड़ा कुटिया मैनू छड़ दे मेचो की कढ़ना छड़ दे मैनू रस्सियां ढिलियां कर दे औंतरी दिया ओ मारता है क्यों अपनी जिंदगी के पीछे हाथ धो के पड़े हो देखो बैग का पता बता दो तुम्हारी जान छूट जाएगी जान ओ तीन कैटे तो तुझे भी निशेत्र मारन दे कोट कोट के मेरी कली कली जगह जख्मी करती है पर मैं थोनु बैग दा नहीं दस्या ओ जिन्ना तुसी मैनू कुटिया हुण तां तुसी मैनू आप सिख जापण लग पे हो ओ यू फूल जिहड़ा फूल रॉकी ने वो बैग खुद तुम्हारे हाथ में देखा है बोलो बैग कहां है पूरा खोर थले हो जाइता ओ जेदा बैग सी ओ ले गया कहां है वो जिथे बैग होएगा बैग कहां है जिथे फराज होएगा ये दोनों कहां है वो दोवें कोल कोल होण के मैं केड़ा पल्ले ना बन के फिरन देया लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार बिल्कुल नहीं इस तरह दा छब मुंह च ना कड्डो मैनू अपनी जिंदगी दा बड़ा प्रेम आ ओ देखो ऐ जाती नहीं सिख दे सामने कल्ला शराब पीण दिया ओ तैनू हजम नहीं होणी ओए अज तुसी अपने सोहणे सोहणे मनमोहणे हत्थां नाल शराब दा एक पैक बणाओ ओ सिख दे अंदर जाऊगा तां सिख बोलूगा फिर थोन दसना बैग किथे आ लो पियो ओ मेरे हाथ बजे या अपने हाथी पड़ा दियो हूं पूछो केड़ी गल पूछनी वही के बैग कहां है केड़ा बैग अच्छा ओ बैग जदी भैया तो मैंने कुट पहन दई आ और मैं कह शराब तुसी मैंने अपने हाथी पड़ाई है ना जी हां पहले मैं तो ए मना लो कि मैं थोड़े हाथो शराब पीती आ ता फिर बैग दा भी पता दस दूंगा हां रॉकी मम्मी पी लिया आ चक दे फटे मेनू मार ओ मेनू कुट मेनू छित्र मार तुम्हें तो दुनिया के आखिरी कोने तक हमारे कातिल का पीछा करना है
मत कहो मुझे भाभी, मेरा खाटल अभी जिंदा है। जब तक वो जिंदा है मेरी और तुम्हारी भाभी की रूह तड़पती रहेगी। मेरा खाटल अभी जिंदा है। तुम्हारी मंजिल अब सिर्फ इंतकाम है, इंतकाम है। मैं इंतकाम जरूर लूंगा, मैं रॉकी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे जिंदा, नहीं छोड़ूंगा उसे जिंदा। जज्बात पर काबू रखो फराज, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, और वैसे भी तुम्हारा यहाँ आना खतरे से खाली नहीं। हो सकता है पुलिस ने यहाँ खुफिया पहरा बिठा रखा हो। चलो यहाँ से, चलो। ठहरो, मैं देखती हूँ। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। हमने यहाँ कोई रिसीवर ही नहीं उठाता, अब रिसीवर उठाया है तो बात तो करो ना, मेरे बच्चे ठीक तो हो ना। हेलो, कौन? बहू जी, मैं आपकी बहू। ऊंची आवाज से बात करो ना, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे। कितने फोन किए हम लोगों ने तुम्हें, कहाँ चले गए थे तुम लोग? दादी माँ, वो फोन खराब था, आज ही ठीक हुआ है। अच्छा, ओहो मुझे ढूंढना। हेलो बहू, कैसी हो तुम? फराज और फारूक ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज बहू की आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। चलो अल्लाह का शुक्र है, उनकी आवाज तो सुन ली। वो खैरियत से तो है ना? या अल्लाह तेरा शुक्र शुक्र। ओ, डबल करो। हेलो, दिस इज मोना। हे मोना, कैसा है तू? हाय जान, हाउ आर यू? आई लव यू, आई एम मिसिंग यू लाइक एनीथिंग। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग पागल कुत्ते की तरह आप उनको तलाश कर रहे हैं। मैं सोचा आप उन दो चार रोज इधर तो गुजार ले, अच्छा है। ए, तो अपना ख्याल रखना। हे जान, प्यार करने वाले अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, खुद अपना नहीं। ए उल्टे खोपड़े, काय को पटरी से उतर जाता है? हे रॉकी, अपनी रेल का इंजन तो तुम हो, जब तक तुम पटरी पर नहीं आते तुम्हारी मोना भी पटरी से उतरी रहेगी। ए मेरे बारे में मत सोचा कर, पागल हो जाएगी। पागल? पागल तो हो चुकी रॉकी, अब तो सिर्फ तुम्हारे नाम की दीवानी होना चाहती हूँ। ए मोना, तू बोलता क्यों नहीं? पुलिस। रॉकी कहाँ है? मैं नहीं जानती। मैं पूछता हूँ रॉकी कहाँ है? मैंने कहा कि मैं नहीं जानती। अरेस्ट हर। कौन हो तुम? ओ मैं बेवकूफ सिखा,
ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਬਦਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਾਓ, ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਪਿਆ। ਲੈ ਚਲੋ ਇਸੇ ਵੀ बताऊं ऑफिसर कि रॉकी कहां है? तलाश कर सकते हो तो कर लो। रॉकी मेरे दिल में है। फौरन रॉकी का पता बता दो वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। आखिरी सांस तक रॉकी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मत भूलो, मुजरिम जमीन और कानून आसमान होता है। मुझे यकीन है कि मिलाप जरूर होगा। खुद को धोखा मत दो ऑफिसर। दुनिया के आखिरी कोने तक चले जाओ, जमीन आसमां मिलते दिखाई तो जरूर देते हैं लेकिन कहीं मिलते नहीं। इसी तरह तुम्हें मेरा रॉकी कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अरे जुबान मत चलाओ ऑफिसर, गोली चलाओ। यू ब्लडी वुमन। अपना बैग तो ले लेने दो। बेटी इसकी हालत तो बहुत नाजुक है। फौरन गोली निकालो डॉक्टर वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। बेटी डॉक्टर इंसान होता है खुदा नहीं। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन तुम अपने साथी की जिंदगी के लिए दुआ करो। दुआ?
मैं एक मुद्दत बाद तेरे पास आई हूं। मैं जब छोटी सी थी ना, तो मेरे पापा मुझे हर संडे यहां दुआ के लिए लाया करते थे, मगर मुझे याद नहीं कि मैं बचपन में क्या दुआ मांगा करती थी। मगर आज मैं तुमसे रॉकी की जिंदगी मांगने आई हूं। रॉकी की जिंदगी। मेरी दुआ का भरम रख लेना क्राइस्ट। मौत के अंधेरों को जिंदगी की रोशनी में बदल दो क्राइस्ट, प्लीज प्लीज। क्राइस्ट, अगर मेरे रॉकी को कुछ हो गया ना, तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी, सब कुछ जला के राख कर दूंगी। जानते हो ना कि सब कुछ में सब कुछ आ जाता है। जानते हो, मैंने आज तुम्हें क्राइस्ट से मांगा है, तुम जिंदा हो सिर्फ मेरे लिए। कृपा ना सजा था मुकी ना, तू ते दो नंबर धंधा छा दिता सी, पर पिस्तौल वाला भाई तेरे पीछे क्यों पै गया वा? हां, ओ जिस भैन जी दे कहन ते मंदा धंधा छड्या सीगा, उसे भैन जी के कहते पाकिस्तान तो आए हुए वो फराज की मदद की थी है। उसके भरा था भाबो नू उस पिस्तौल वाले रॉकी ने कतल कर दिता। इतों का कानून समझदा क्या? वो छेली ना दई, इधर धुपे धुपे वो तेन पूरी गल सुनाना। वो इतों का कानून समझदा कि अपने भरा था भाबो का कातल वो फराज आ, और तू आपे दस दीपो ये काके ना जुलम नहीं। वो तेरा जुलम होवे ना होवे, पर तेरा जुलम होने लगे कर पाने आ। मेरे ना जुल्म करने वाले का नौ दस दीपो मैं फट्टे चक दवांगा। मेरे बापू ने तेरे आए दिन ते चगड़ा तो तंग आके फैसला किया क्यों मैं अमृतसर ले जाके उथे मेरा व्याह किक्कर सिंह ना कर दूं। मैं उस किक्कर सिंह दी मसवाका बना के गुरुद्वारे च रख दवांगा। गुरुद्वारे जा ते दुआ मंग, जिहड़ी शर्त मेरे बापू ने रखी आ तू वो पूरी कर सके। की शर्त रखी है तेरे बापू ने? मेरे बापू ने तेरे ते मेरे मिलाप दी शर्त बैंक ऑफ दे सब तो बड़े बॉक्सर किंग कॉन्ग नु टान दी रखी है। कृपाना आप लीरो लीर हो जाएगा दीपो, पर अपनी दीपो नु अपने सिर दे मुल भी चित लूगा। तू रिंग च फटा लेके पहुंच जाई, हो सकता है कि मेरा फटा तेनू चकना पवे। तुम्हारा नाम क्या है? सुभाष गौरे। मेरी फीनी, ये मैं पी लूं? क्यों?
प्रॉब्लम। और आ गया। वेरी टेस्टी। दीपो एक राउंड तू लड़ दे। मेरे ओह माय गॉड हाथों कालू बदबू आ रहा है। ढोल आया तेरे बच्चे मर जाने। बापू की शर्त पूरी हुई के नहीं? ओए हुण तक तेरा बापू मन जाऊगा। बापू पावे मने ना मने, जा तू टोल बजा के कह दे दीपू आज तो तेरी आ। मैं फटे चक देंगा। इधर आ।
समझ गई हूँ। इससे पहले कि कानून यहाँ तक आ पहुँचे, तुम दोनों को कहीं और चले जाना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती आंटी कि मैं पुलिस को कैसे समझाऊं कि कत्ल मैंने नहीं किए। मैं अपनों का कातिल नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ। फराज अपने जज्बात पर काबू रखो। हम लोग तिरपान भाई के दोस्त दीपू के घर चले जाते हैं। मुझे यकीन है कि पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। जाओ बेटी, मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है। मेरी दुआ है जैसे हालात ठीक हो तुम दोनों हंसी खुशी घर लौट आओ। मामा, मैं सोचती हूँ तुम्हारा क्या होगा, तुम अकेली रह जाओगी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं बेटी, मेरा साथ जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन मामा, आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। बेटियाँ ब्याहने के बाद माएं अकेली रह जाती हैं। मैं समझ लूंगी कि मैंने बेटी आज ब्याह थी। मेरी बेटी, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। चलो, गुड लक माय चिल्ड्रन। खुदा तुम दोनों की हिफाजत करे। तेरी बेटी, उसका यार और मेरा दाग कहाँ है? मैं पूछती हूँ कौन है, जवाब दो। सवाल का जवाब सवाल नहीं। बोल, मेरा दाग किधर है? ओह, तो तुम हो वही कातिल जिसने फ्राज के भाई और भाभी को कत्ल किया है? मैं कुछ नहीं जानती, गेट आउट। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती। बास्टर्ड, पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके सर। वैसे एक बात कहूं सर? हाँ हाँ कहो। आप बहुत बहादुर हैं सर। ताओ प्लीज। ओके सर। बहन जी, एलो ते ए खाओ, बहुत मजेदार। शुक्रिया दीपो जी, हमने आपको बहुत तकलीफ दी है। तकलीफ का दी काकू, रिन्ना ते पकाना पंजाब दी औरत दा गहना वा। मामा को खाना देकर कृपान भाई अभी तक नहीं आए। ए बैंकॉक का पैन जी, ऐसे सारा दिन में गड्डी लेके घूमो तो मुल्क नहीं मुकदा। तुसी अनपाणी छिको। मैं देखनी हूँ, एक कृपाने दे हाथ लगता है। आहो, दा हाथ मैंने भी कई बारी लग चुके हैं। आ गया वा, खैर सी, एनी देर ला देती वा, मुंह क्यों लटकाया वा?
कैसी है? सुनो यावा, की गल कर पाने आ? वो कुछ घुट भी होया की वा? कुछ नहीं दीपो, अनहोनी हो गई है। क्या हुआ? भैन जी दी माता जी नु किसे जालम ने बदरती नाल पढ़ दिता है। किरमान भरी नहीं, तेरी मामा को कुछ नहीं हो सकता। हाँ भैन जी, थोड़ी माता रोंदा स्वर्गवास हो गया, तब पुलिस ने दी लाश तो पोस्टमार्टम ले लेगी। इश्क
कहाँ है, बस उसके सर पर एक ही भूत सवार है और वो है रॉकी की तलाश। ए भैन जी, बाहे गुरु का नाम लो, किस बदरू का नाम लैन दे, उदा कोई पता नहीं केड़े वेले किथे अपड़ जावे। पिस्तौल फड़ के मेरे बच्चे की मां बनना आई हां, तो मेरे बच्चे की मां बनूगी तो सिर्फ दीपो बनेगी। से हमारा भाग ले गया। बोल, तुम मेरी मां के कातिल हो। मैं पुलिस को फोन करके तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगी। तेरे जैसे कई अपन के मरने की दुआएं मांगता है, आज तुझे साथ लेके जाएगा। तेरा यार आएगा ना यार, वो अपन का बैग गले में डाल के अपन को खुद ढूंढेगा। ए मोना समालिस है, हिम्मत दीजिए तो चला गोली। जियो सिख नहीं है, तू तो पट्टे ही चक दे पिया। शोर करती है ये जैसे। दीपो, दीपो के देख, और तेरा सिखड़ा तो चले आई। भाई गुरु दिसो, पिछा मैं भी नहीं रहना, तेरे तो पहला अपना की। दीपो, 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 जा कौला दिए पकिए, तू तो इश्क बिच भी फट्टे ही चक दिते आ, फट्टे ही चक दिते आ। Thank you.
थैंक यू ताओ, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत बहादुर हैं सर। रॉकी। मोना। रॉकी, रॉकी, मैं मर रही हूँ रॉकी। ए मोना, मोना, मोना। तुझे कुछ नहीं होगा मोना, तुझे कुछ नहीं होगा। ए मोना, मैं तुझे मरने नहीं देगा, नहीं मरने देगा तुझे मैं, नहीं। रॉकी, रॉकी, मेरे मरने से पहले मुझे एक बार आई लव यू बोल दो, कह दो कि दुनिया में प्यार का वजूद है। ए मोना, ए मोना, आपने तुझे मरने नहीं देगा, तुझे तुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। नहीं रॉकी, हॉस्पिटल नहीं जाना, वहां जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं, नहीं जाना वहां। मोना, तेरी जिंदगी के लिए रॉकी हर खतरा मोल ले लेगा, तू मरना नहीं मोना, इसलिए कि तूने तो रॉकी से, तूने तो रॉकी से प्यार किया है, वरना सारी दुनिया, सारी दुनिया आप उनको बास्टर्ड कहती है, नफरत करती है आप उनसे, नफरत। मान गए ना रॉकी कि प्यार होता है। हाँ मोना, मान गया, लेकिन तू मरना नहीं, इसलिए कि अगर तू मर गया तो रॉकी सारी दुनिया को मार देगा, मार देगा सारी दुनिया को। यंग सर, पूरे शहर में खून की बारिश हो रही है, मुझे 12 घंटे के अंदर अंदर मुजरिम जिंदा या मुर्दा चाहिए, वरना तुम सस्पेंड कर दिए जाओगे। 12 घंटे के अंदर मुजरिम जिंदा या मुर्दा आपके सामने होगा सर। कमिटमेंट सर। सर।
जाता है, हमेशा जिंदगी सोता है। तू क्या समझा अपन को नींद आ गया? बैग हिसाब है मेरे खून के रिश्तों का, आज तुझसे एक एक हिसाब चुकाना है रॉकी। पहला हिसाब अपने बेगुनाह भाई और भाभी का। दूसरा हिसाब उन दोस्तियों का जो मुझ पर कुर्बान हो गए। तीसरा हिसाब अपनी मासूम जिंदगी का जिसमें तूने बारूद भर दिया। और आज ये बारूद तेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े करके अपने साथ इस बैग में ले जाएगा। मेरे को तेरा ये चैलेंज कबूल है। पहली बार प्यार की तरफ देखा और झूठ खा गया।